सर्व भारतीय हिंदू बंगाली संगठन केंद्रीय कमेटी ने आज द्वारका सेक्टर 7 की दादा देव कॉलोनी में बेतहाशा बढ़ती सर्दी से बचने के लिए कंबल वितरण कार्यक्रम में मेडिकल हेल्थ चेकअप का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों के शारीरिक रोगों के निदान के लिए डॉक्टरों द्वारा चेकअप किया गया और उन्हें स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से बचाव के तरीके भी बताए गए। कार्यक्रम में राष्ट्रीय संस्थापक कृष्ण हल्दी, राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रसून बिस्वास, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष कल्याण रॉय, सलाहकार बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष शुभंकर देवनाथ जी, राष्ट्रीय मुख्य समन्वयक पल्लव दास, दिल्ली कमेटी के अध्यक्ष परितोष बिस्वास, राष्ट्रीय नेता अजय विश्वास, रमा विश्वास, पंडित तुषार कुमार मंडल, जयंत बराल, दिल्ली राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष अनुकूल विश्वास, प्रदेश नेता असित बरन टीकादार, प्रणव रॉय, माधव विश्वास, धर्म अध्यक्ष पंडित जुगल किशोर दास, सुभाष विश्वास, फैनिश मलिक, स्वप्न विश्वास, मान कृष्ण हालडेर और सर्वा भारतीय हिंदू बंगाली संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रसून विश्वास और संगठन के सभी लोग मौजूद रहे। इस कड़कड़ाती ठंड में बेसहारा लोगों को गर्म कंबल वितरण करके संगठन ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया। लोगों को जब कंबल मिले तो उनके चेहरे खुशी से चमक उठे। आप लोग मीडिया का माध्यम से हम पूरा भारतवर्ष को जानना चाहता हूँ जे हम सर्व भारतीय हिंदू बंगाली संगठन का पक्ष से आज यहाँ पे कंबल वितरण एवं मेडिकल कैंप तो अनुष्ठित किया। तो आप लोग हमारा ये मैसेज को पूरा भारतवर्ष में दे देना, क्यों ये एक न्यू व नया संगठन है, इसलिए आप लोग को साथ देना। आप लोग साथ दोगे तभी हम लोग आगे। हमारा जो कार्यक्रम है यहाँ पे कंबल वितरण एवं मेडिकल कैंप हुआ। कंबल वितरण मतलब ये शीतलहर चल रहा है, इसके ऊपर मैं आया हूँ। मेरे पास एक छोटा सा लैब है, मैं गरीब आदमियों के लिए जो जैसे भाई टेस्ट के लिए जिनके पास 1,000 रुपया 2,000 रुपया 5,000 रुपये टेस्ट वगैरह होता है वो मैं 50% 60% डिस्काउंट में कोई भी डॉक्टर बंधु उनके लिए मैं कुछ गिफ्ट लेके आया हूँ कि भाई उनको दे और गरीब आदमी की मदद करे। मेरे तरफ से कोई भी MRI CT स्कैन जितने जो भी डिस्काउंट होगा वो मैं अपनी तरफ से करूँगा। भारतीय हिंदू बंगाली संगठन के जितना भी पदाधिकारी है, चाहे वो इंटरनेशनल हो चाहे इंटरनेशनल हो, सभी के तरफ से हमी आज जो प्रोग्राम हमने किया उसके लिए मैं सभी को धन्यवाद दूंगा और मैं ये आशा रखूंगा इनके तरफ से। ये तो आज हमने शुरुआत किया है, सिर्फ शुरुआत किया है और इस संगठन जय हरि बोल। मैं डॉक्टर परितोष विश्वास, आज मैं दिल्ली प्रदेश का सर्व भारतीय हिंदू बंगाली संगठन का प्रेसिडेंट हूँ। मैं आज यहाँ पर पालम हरिकाली मंदिर में आज निःशुल्क माने बिना मूल्य गरीब दुखी जो असहाय इंसान है उन लोग को मैं कंबल बांटने के लिए, शीत वस्त्र बांटने के लिए हम लोग यहाँ पर आए। आज 500 आदमी को हम लोग कंबल बांटा और मेडिकल चेकअप फ्री में हो रहा है। आज 150 हो गया चेकअप और ऑलरेडी चेकअप हमारा चालू है, डॉक्टर साहब बैठा हुआ पे। हम लोग यहाँ पर जितनी दिल्ली में हर जगह गरीब दुखी जो बंदा है उन लोग का शीत वस्त्र हम लोग दान करूँगा निःशुल्क और उन लोग का असहाय। भारतीय हिंदू बंगाली संगठन का फाउंडर एंड जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया चीफ जनरल सेक्रेटरी। हमने आपको पता, हमने वादा किया था सर्व भारतीय हिंदू बंगाली सनातन धर्म हिंदू को हिंदू बंगाली जो है इनको रक्षा करने के लिए संगठन बनाया। आज हमने इसलिए संगठन बनाने के बाद रजिस्टर में आज दिल्ली प्रदेश में जितना दुखी अनाहारी सनातन धर्म बंगाली लोग है इनका आज हाल बहुत बुरा है ठंडी में, इसलिए हमारा सर्व भारतीय हिंदू बंगाली संगठन की पक्ष से आज दिल्ली प्रदेश नेशनल से आज हमारा दिल्ली प्रदेश जो कमिटी होने वाले उन लोग मिलकर आज परितोष विश्वास हमारे साथ है दिल्ली प्रदेश प्रेसिडेंट होने वाले एवं इसलिए हम आज अजय विश्वास सबको लेके आज सच्चाई दिल्ली प्रदेश से आज हम लोग यहाँ पे गरीब दुखी अनाहारी इन लोगों को कंबल बांट रहा है। दिल्ली से संवाददाता ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।